हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप सब? किसी ने मेरा लाइव ज्वाइन किया है, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग माय लाइव। प्लीज बताएं किसने ज्वाइन किया है। दो लोग आ गए हैं, थैंक यू। गुड आफ्टरनून एवरीवन। कौन है मेरे को प्लीज बताएं? एवरीवन कौन है मेरे को प्लीज? हाय नेहा, कैसी हो? गुड आफ्टरनून। कैसे हो नेहा? नेहा, लाइक करने के लिए थैंक यू। आपका प्रसाद वाला वीडियो मैंने देखा, बहुत अच्छा प्रसाद बनाया आपने, और हलवा एकदम डिफरेंट तरीके से बनाया। अगली बार मैं भी ट्राई करूंगी ऐसे ही जैसे आपने बनाया वैसे। हेलो पिटबुल, हाउ आर यू? नाइस टू हैव यू इन माय लाइफ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। हाउ आर यू डूइंग टुडे पिटबुल? वी हैव टू पीपल विद अस, बट हमें मैसेजेस नहीं मिल रहे हैं। लास्ट मैसेज नेहा का है, प्लीज मैसेज करते रहिए। हेलो अक्षिता, हाउ आर यू? थैंक यू फॉर कमिंग इन माई लाइफ। लाइक करने के लिए भी थैंक यू। इट्स सो नाइस ऑफ यू पिटबुल। आई नो इट मस्ट बी नाइट देयर। वट एवर टाइम यू कैन गिव अस, आई हाईली अप्रिशिएट दैट। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, थैंक यू। नहीं नेहा, अभी लंच नहीं हुआ, बन गया है, बट अब लाइव के बाद लंच करूंगी मैं। या आई एम एब्सोल्यूटली फाइन पिटबुल, हाउ अबाउट यू? What is the condition regarding corona in your country, Pitbull? नेहा, आपकी तरफ क्या हाल है? कोरोना का केसेस ज्यादा तो नहीं आ रहे आपकी तरफ? बस नेहा, चल रहा है अब तो। बस दिवाली की साफ सफाई शुरू करनी है एक आध दिन में, तो फिर शायद लाइव थोड़े दिन के लिए मेरे को बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि सफाई और लाइव और वीडियोस ये सारी चीजें एक साथ नहीं हो पाती हैं, तो कहीं ना कहीं तो स्टॉप लगाना पड़ेगा। तो आई थिंक लाइव पे ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि वीडियोस तो फिर भी आधा एक घंटा में बन जाते हैं, बट लाइव के लिए तो आपको टाइम चाहिए। चलिए, बहुत बढ़िया बात है नेहा, नहीं है ज्यादा, ये बहुत अच्छी बात है। फिर भी आप अपना पूरा ध्यान रखें, सारे प्रिकॉशंस लें। 7 लोगों ने हमें ज्वाइन कर लिया है, थैंक यू वेरी मच एवरीवन ज्वाइन करने के लिए। लाइव स्ट्रीम को एक लाइक दे दीजिए और एक बार हाय बोल के अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। जो भी ज्वाइन करा है हमारी लाइव को, थैंक यू वेरी मच एंड गुड आफ्टरनून। हेलो SSK फैक्स, हाउ आर यू? थैंक यू लाइव ज्वाइन करने के लिए। कैसे हैं आप SSK फैक्ट्स? और मुरादाबाद में क्या हाल कोरोना के? अरे लाइक करने के लिए थैंक यू जिसने भी अभी लाइक किया है लाइव स्ट्रीम को। नेहा, आपका नेक्स्ट वीडियो कब आएगा? आप हाँ नेहा, सही कह रहे हो, अब तो लाइन लगी हुई है, फेस्टिवल्स की फुर्सत ही नहीं मिलने वाली। पहले करवा चौथ आ जाएगा, फिर अहोई है,
और फिर तो बस दिवाली है ही, तो अब तो भैया दूज तक सब बिजी बिजी है। हेलो स्नेहा, कैसी हो? कैसी हो स्नेहा? थैंक यू लाइक करने के लिए स्नेहा, बड़े दिन बाद दिखाई दी। मुरादाबाद में सब ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया बात है, एसएसके मुरादाबाद में सब ठीक है, ये जान के अच्छा लगा। ठीक ही रहना चाहिए। और स्नेहा, मौसी वगैरह सब कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ स्नेहा, तुम बताओ मौसी कैसी हैं? प्लीज गाइस मैसेज करते रहिए, 5 लोग ऑनलाइन हैं, मैसेज बहुत कम आ रहे हैं। ठीक है, आपको याद कर रही है, यही बैठी है बाजू में। अच्छा, मौसी को मेरा प्रणाम बोलना स्नेहा। हाँ नेहा जी, मेरी करवा चौथ की सारी तैयारी हो गई, बस मेहंदी बचती है। और वो एक बड़ी समस्या है कि इस बार कैसे लगवाई जाएगी मेहंदी, ये जो हालात चल रहे हैं उनको देखते हुए। तो हो सकता है अपने आप ही बस शगन के लिए दोनों हाथों में गोल गोल वो जो बनाते हैं बिंदिया सी वो बना लें, या देखते हैं क्या करते हैं, अभी डिसाइडेड नहीं है। अक्की बढ़िया स्नेहा, अभी अभी क्लास खत्म हुई है तो मेरे ख्याल से वो अपना थोड़ा कुछ मजे कर रहा है। हेलो पूजा जी, गुड आफ्टरनून, लाइक करने के लिए थैंक यू पूजा जी, कैसे हो आप? बढ़िया, ऑफिस गए हुए हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ पूजा जी, आप बताओ आप कैसे हो? हाँ नेहा, मैं एक दिन मेरे हस्बैंड का ऑफ था तो मैंने उस दिन जाके सारा काम निपटा लिया आजकल एक ही दिन में। थैंक यू पूजा जी, आपके आज मनाया जा रहा है दशहरा, हमारे यहाँ कल हो गया। नहीं नेहा, मेरे को मेहंदी लगानी बिल्कुल नहीं आती, वो गोला बनाने में बड़ी मुश्किल होती है मेरे को। हाँ पूजा जी, मैंने आपके लास्ट 3 वीडियोस नहीं देखे थे, आज सुबह बैठ के मैंने आपके तीनों वीडियोस देखे। गोलू जो पानी में मस्ती कर रहा है, और आप जो मंदिर गए हो वो वाला, और आपका मॉर्निंग रूटीन, सारे आज सुबह ही देखे मैंने। मैं बोलूंगी स्नेहा, कॉल करने के लिए बोलूंगी, बहुत बिजी चल रहे हैं आजकल। अच्छा कल हो गया? हाँ नहीं, कई जगह आज भी कर रहे हैं ना लोग, इसलिए पूछा मैंने। गोलू सो रहा है पूजा जी, जग रहा है? चलिए, विशेष तो हमेशा काम आती है। थैंक यू पूजा जी, सेम टू यू टू। गोलू जाग रहा है, फिर कैसे आपको बात करने दे रहा है, आपको अपने साथ खिला नहीं रहा? नहीं, स्नेहा ऐसे कैसे भूल जाएंगे, तुम भी ऐसी बात कर रही हो, अपनों को कोई भूलता है क्या? दूध पी रहा है, टीवी देख रहा है। अच्छा, पानी में नहीं खेल रहा आज? उसका पानी वाला वीडियो तो बहुत ही मस्त था, कितने मजे कर रहा था पानी में। 8 लोगों ने हमें ज्वाइन कर लिया है, थैंक यू एवरीवन ज्वाइन करने के लिए। और जिस जिसने ज्वाइन किया है प्लीज एक लाइक दे देना लाइव स्ट्रीम को, और फटाफट मैसेज कर दीजिए।
सुबह का स्केड्यूल तो आपका पूजा जी बिल्कुल मेरी तरह होता है, हैक्टिक, टिफिन बनाओ, सारे काम निपटाओ। हाँ बहुत मजे कर रहा था। अच्छा नेहा, मैं भूल जाती हूँ सबको, क्या भूल गई मैं, बता तो दो। हाँ 10 बजे तक तो बहुत बिजी रूटीन रहता है, उसके बाद थोड़ी फुर्सत आती है। हाँ प्लीज ले लेना खबर, शायद मौसी खबर लें तो हमें भी थोड़ा टाइम मिलने लगे। थैंक यू गाइस एवरीवन, जिस जिसने लाइव स्ट्रीम को ज्वाइन किया है प्लीज एक लाइक चिपका दीजिए लाइव स्ट्रीम पे, और एक हाय दे दीजिए कमेंट बॉक्स में। आपका तो पूरा दिन ही बिजी रहता है पूजा जी, छोटे बच्चे के साथ तो फुर्सत मिलना बहुत मुश्किल काम है। हाय रितु जी, वेलकम टू माय लाइव, थैंक यू ज्वाइन करने के लिए। किसको बोल रहे हैं आप एस एस के फैक्ट्स? और रितु जी हो गए आप फ्री? मैं बिल्कुल ठीक हूँ रितु जी, आप बताओ आप कैसे हो, आप फ्री हो गए? रितु जी, पूजा जी तब भी कहाँ आराम होता है, तब लगता है या तो थोड़ा रेस्ट कर लो या जो काम है जो बच्चा नहीं करने देता वो काम निपटा दो। आपको तो साफ सफाई करने में भी दिवाली की बड़ी दिक्कत आती है, छोटे बच्चे के साथ बहुत मुश्किल हो जाता है ये सारी चीजें मैनेज करना। इस बार तो बहुत मुश्किल है स्नेहा, कहीं नहीं जा रहे हम लोग, घर पर ही हैं, सिचुएशन पता ही है तुम्हें। चलिए बहुत बढ़िया ऋतु जी, अब थोड़ा रिलैक्स कीजिए, आप पिछले 8-9 दिन से बहुत बिजी हो। हाँ अब सिर्फ मस्ती। हेलो डॉली, हाउ आर यू, थैंक यू लाइव ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू डॉली। आपने इतना बढ़िया लौकी का हलवा बनवाया बनाया था, थोड़ा सा इधर भी भिजवा देते। हाँ बच्चे के साथ तो बहुत मुश्किल हो जाता है, वही तो मैं आपको बोल रही हूँ, बच्चा भी मैनेज करो और उसके साथ फिर सफाई। चलिए बहुत बढ़िया बात है माता रानी, सब अगले साल फिर फटाफट आए और सबके लिए बहुत सारी खुशियां लेके आए। अच्छा मेला कब है ऋतु जी आपके यहाँ? फास्ट तो खत्म हो गए डॉली जी, पर भिजवा देना आप, हम कभी भी खा लेंगे लौकी की हलवा। तो समर तक देखते हैं एक बार, अक्की के बोर्ड के एग्जाम निपट जाए ना स्नेहा, उसके बाद बनाएंगे प्रोग्राम उधर आने का। हाँ पूजा जी इस बार तो बहुत फीकी फीके रहे, मार्च वाले नवरात्रे भी बहुत फीके फीके रहे और ये वाले भी बहुत फीके फीके रहे, अब जो अगले नवरात्रे हैं उनमें सब ठीक हो जाए और सब बहुत मजे से मनाएं। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बहुत सुना था, सही बात है, यहाँ गुजरात में जहाँ इतनी रौनक होती है नवरात्रि में, सब कुछ फीका था, कहीं कोई गेट टुगेदर नहीं, कोई डांडिया ऑर्गेनाइजेशन नहीं, कुछ भी नहीं। पूजा जी ये डीबी लाइफ है ये बोल रही हैं, आप भी एक बार इनके वीडियोस चेकआउट कर लेना, ये गई थी आपके घर। हाँ पूजा जी दिवाली पे भी थोड़ा बहुत ही रौनक होगी, बाकी तो कुछ खास रौनक होगी नहीं, जैसे हमारी सोसाइटी में पहले पिछले साल सब लोग एक साथ नीचे जाके दिवाली मनाई थी, इस बार तो सब अपने घरों में ही मनाएंगे। डीबी जी पूजा जी जरूर आएंगी आपके यहाँ, डोंट वरी। स्नेहा अभी तो मतलब कुछ खास शॉपिंग करनी नहीं है, बस अक्की के और विशाल के कपड़े लेने हैं, वो अभी ले लेंगे, बाकी तो कुछ खास इस बार करना नहीं है मेरे को। नहीं ऋतु जी अब लाइव के बाद खाऊंगी। अच्छा पिछली साल बहुत सब जगह ही था डेकोरेशन ऋतु जी,
सॉरी पूजा जी, सब जगह डेकोरेशन था, इस बार तो सब जगह फीका फीका है। गुड आफ्टरनून मुकेश जी, राधे राधे, थैंक यू माय लाइफ में आने के लिए, थैंक यू सो मच। आपने खाना खा लिया ऋतु जी? आपने क्या लिया है? मैंने कुछ नहीं लिया स्नेहा, दो साड़ियां ले ली हैं मैंने, एक साड़ी अभी करवा चौथ पे पहन लूंगी और एक दिवाली पे पहन लूंगी। खा लिया? क्या खाया ऋतु जी? आज ही माल पकवान बने क्या? डीबी जी, स्नेहा मेरी कजन है, वो उसका कोई चैनल नहीं है, वंस इन अ वाइल वो कभी लाइव में आ जाती है मेरे को सपोर्ट करने के लिए बस। बोलू को ये सबसे डर लगता हो रहा था। हाँ बच्चे, वो उसमें गुफा में जाने से नहीं डर रो रहा था, जबकि भैया आगे आगे चले गए थे तब भी नहीं जा रहा था वो। पटाखों से तो नहीं डरता पूजा जी? बोलू अक्की जब छोटा था तो पटाखों से बहुत डरता था, जब अगर कोई बहुत तेज बॉम्ब वगैरह फटता था तो रोने लगता था। थैंक यू मुकेश जी, थैंक यू हम सबकी तरफ से, सेम टू यू टू, थैंक यू। और डॉली जी, दिवाली पे क्या क्या मिठाइयां बना रहे हो? सब लोग जहां पर हैं वहीं रह रहे हैं दिवाली पे या अपने अपने घर जा रहे हैं दिवाली पे? प्लीज बताएं, हम लोग तो इस बार नहीं जा रहे हैं, यहीं पर रहेंगे। आज तो बहुत सिंपल सा खाना बनाया है स्नेहा, अरहर की दाल बनी है, पत्ता गोभी की सब्जी, रोटी बनेगी अभी, चावल बना दिए। भीड़ भाड़ भी होती है पूजा जी, और मूर्तियां कई बार बड़ी बड़ी होती हैं तो बच्चे डर जाते हैं। ऋतु जी, अरहर की दाल, पत्ता गोभी, रोटी के लिए आटा लगा के रख दिया मैंने और चावल बना लिए हैं, बस लाइफ खत्म होते ही रोटी बनाऊंगी। मुकेश जी, मैं तो कहीं घूमने नहीं गई थी, पूजा जी गई थी घूमने, उनके अमृतसर में कोई मंदिर है उसके दर्शन करने गई थी, बहुत ही सुंदर मंदिर है, अगर आपको देखना हो तो उनका वो वीडियो देख लीजिएगा, मॉम्स लाइफ एंड कुकिंग के नाम से चैनल है उनका, बहुत अच्छा वीडियो है। पूजा जी आप आ रहे हो क्या दिवाली पे? अमृतसर ही रहोगे कि अपने घर आ रहे हो? मुकेश जी बहुत अच्छी बात है, आप लकी हैं आप मना पा रहे हैं। हेलो सिमोन, हाउ आर यू? थैंक यू सिमोन लाइक करने के लिए, थैंक यू सो मच। पर हम लोगों के यहाँ से बहुत दूर पड़ जाता है और इतनी छुट्टियां भी नहीं मिलती और इस समय टाइम भी ठीक नहीं है कि होटल वगैरह अवॉइड ही करना चाहिए, रात में स्टे करना, इसलिए हम नहीं जा रहे हैं, वरना दिवाली पे हम भी घर ही जाते हैं। हाँ ऋतु जी, आप बहुत बिजी थे इतने दिन से, आज तो आपका एंजॉय करना बनता है। आज लगेगा क्या मेला आपकी तरफ ऋतु जी? थैंक यू मुकेश जी, आ जाइए आप भी खाने आ जाइए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ सिमोन, आप बताओ आप कैसे हो? प्लीज गाइस मैसेज करते रहिए। आज किस चीज का वीडियो आ रहा है सिमोन आपका? काश आ सकती स्नेहा खाने, तुम भिजवा दो, मौसी के हाथ का मटर पनीर तो बहुत टेस्टी होता है, भिजवा दो तुम।
रोटी हम बना ही रहे हैं। रितु जी आपका मेकअप वाला वीडियो बहुत अच्छा था, बहुत ही सुंदर लग रहे थे। दिवाली पे जा रहे हैं आप घर? चलिए बहुत बढ़िया बात है। कितने दिन के लिए जा रहे हैं पूजा जी? ओके, आप फिल्म देखने लग गए थे। सिमोन कौन सी मूवी देख रहे थे? ओके, अंकल अपलोड करते हैं एडिट करके। ओके, ओ पूजा जी इतने टाइम के लिए, इतने टाइम की छुट्टी मिल जाती है? ओके, तो पूजा जी अपनी कार से जा रहे हो या बाय प्लेन या ट्रेन जाओगे? इस बार सब कुछ फीका है पूजा जी, कोई मेला नहीं है कहीं भी, और जो है वो बहुत छोटे स्केल पर है जिनमें मजा नहीं आ रहा। अच्छा, मिल ही जाती है, चलिए वेरी लकी पूजा जी। हमें तो छुट्टी नहीं मिलती इतनी, ज्यादा से 5 दिन की छुट्टी मिलती है तो बस भागम भागी लगी रहती है। हाँ मैं समझ रही थी, आप इतने दिन से उसका बोल रहे थे कि आप मेकअप वीडियो बना नहीं पा रहे हो, पर इतना सारा काम और इतने सारे लोगों के बीच में आपने इतना बढ़िया बनाया, बहुत अच्छी बात है। ये वीडियो आपकी डेडिकेशन दिखाता है कि आप इतने थके होने के बावजूद, इतने बिजी होने के बावजूद कितने बढ़िया वीडियोस बना रहे हो। आना पड़ेगा पक्का, एक बार अक्की के बोर्ड के एग्जाम खत्म हो जाए ना स्नेहा, हम पक्का आएंगे। प्लीज यार, जो जो एक दूसरे के लिए नए हैं एक दूसरे के घर जरूर जाएं। ओके, 15 डेज की मिल जाती है, चलिए 15 डेज भी बहुत होते हैं। हम तो एक बार में एक ही जगह जा पाते हैं, दोनों जगह जा ही नहीं पाते, इतनी छुट्टियां ही नहीं होती। अभी तो डीप आज डॉली आपने लंच बना लिया कि अभी बनाना है आपको? डॉली प्लीज आप सिमोन आर्ट गैलरी को ज्वाइन कर लो, इनकी ड्राइंग्स बहुत अच्छी होती हैं, आप यू विल लव देम, बहुत अच्छी ड्राइंग्स होती हैं इनकी। बीच बीच में उठ के काम करना पड़ता था, करना ये तो है ऋतु जी। ओके डॉली, बस रोटी बनानी है। हेलो क्रिएटिव, थैंक यू लाइव में आने के लिए, वेलकम टू माय लाइव क्रिएटिव, थैंक यू। कोई बात नहीं पूजा जी, आप इतने टाइम हमें हमारे साथ बने रहे, थैंक यू। आप जाके प्लीज गोलू को देखो, थैंक यू पूजा जी, रात को मिलते हैं, बाय। सिमोन डॉल डीबी लाइफ आपको पक्का ज्वाइन कर लेंगी, डोंट वरी। अगर आप अभी फ्री हो तो एक बार जाके इनका कोई बाय पूजा जी। सिमोन आप इनका डीबी लाइफ का कोई भी वीडियो देखकर, इन 2-3 मिनट वॉच करके इनको एक लेटर दे दो। अच्छा आपने कर दिया है डीबी को, कोई बात नहीं सिमोन, अगर आपने इनको डन करा है तो वो श्योरली रिटर्न कर देंगी, डोंट वरी, रिटर्न कर देंगी आपको सिमोन जी। अच्छा हम भी याद कर रहे थे, आज क्या क्या पकवान बनाए रितु जी आपने? हाँ सुबह 9 बजे के करीब, 9-10 के बीच में हमारा भी ब्रेकफास्ट हो जाता है, तो 2-2.5 बजे से पहले भूखने लगती। और वो वाले वीडियो कब डाल रहे हो डॉली, मैसूर पैलेस वाला?
प्लीज गाइस मैसेज करते रहिए। अच्छा, साउथ में जो दशहरा पूजा होती है उसका डालोगे? वो तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होगा फिर। सिमोन डीबी लेटर दे दिए हैं रिटर्न, प्लीज। सिमोन डीबी आपको रिटर्न कर देंगी लाइव के बाद, डोंट वरी। वो देखो ऊपर बोल रही हैं कि वो आपको फुल वॉच के साथ रिटर्न कर देंगी बेटा, डोंट वरी, वो रिटर्न कर देंगी आपको। आज से चटपटा खाना स्टार्ट, क्या बात, मजे का आएंगे अब तो ऋतु जी। अच्छा सुबह आज मालपुए बने थे, क्या बात ऋतु जी, अब तो रेस्ट भी और बढ़िया खाना भी। आप अपने घर कब जा रहे हो ऋतु जी, क्या अभी और कुछ दिन रुकोगे यहीं पे? अच्छा कोई बात नहीं सिमोन, कोई बात नहीं, आप देख लो डीबी डॉली की पूरी वीडियो देख लो आप, वो आपको कर देंगे, देख लो आप आराम से वीडियो। वीडियो के साथ साथ प्लीज बेल आइकन दबाना भी ना भूलें आप सब लोग, जिससे हमें अपने फ्रेंड्स की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे, तो हम आगे भी उनको सपोर्ट करते रहें। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए ना बस कि एक काउंट बढ़ाने के लिए हमने उन्हें काउंट दे दिया और फिर आगे किसी तरह हम उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ये भी गलत है। तो इसलिए अच्छा अभी कुछ दिन है, बड़े दिन की छुट्टी मिल गई थी तुझी आपको ससुराल से। अच्छा क्या नया सुनाएंगी मुकेश जी, ऋतु जी? कोई डिसलाइक है क्या वीडियो पे? ऋतु जी कोई डिसलाइक है क्या लाइव पे? हेलो ब्यूटी टच, हाउ आर यू, थैंक यू लाइव में आने के लिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सिमोन बताने के लिए, थैंक यू, थैंक यू ब्यूटी, थैंक यू। कैसे हो आप ब्यूटी जी, कैसे हो आप? सिमोन भी पूछ रहे हैं ब्यूटी कैसे हो आप, हाउ आर यू। मैं भी बिल्कुल बढ़िया ब्यूटी जी, थैंक यू, थैंक्स फॉर आस्किंग। जो जो ब्यूटी जी के लिए नया है वो प्लीज ब्यूटी जी के घर जाके उनको लेटर दे दे। ब्यूटी जी आपको यहाँ जो जो नए फ्रेंड्स दिख रहे हैं प्लीज आप जाएं उनका वीडियो देख के उनको लेटर दे दें, वो लोग आपको रिटर्न कर देंगे। किस बात के लिए नहीं बोल रहे हो आप मुकेश जी? कोई बात नहीं स्नेहा, टेक योर टाइम, बाय। हाँ, आप एक बार मुझे बताओ आप किसके घर जा रहे हो, मैं उनको बोल दूंगी, वो आपको रिटर्न करेंगे लाइव के बाद। हाँ ऋतु जी हम होप तो सब यही करते हैं, पर आजकल पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं डिस। ओके मुकेश जी, ये ब्यूटी टच है ये आपके घर आ रही हैं, आप प्लीज देख लेना ब्यूटी टच, एटलीस्ट 2 मिनट का वीडियो देखना, उसके बाद ही फ्रेंड बनाना और लेटर छोड़ देना, मुकेश जी आपको रिटर्न कर देंगे।
ऋतु जी, आप फिर से एक्टिव हो गए क्या इंस्टा पे कि अभी नहीं? अच्छा, प्लीज गाइस, 6 लोग हैं, मैसेज करते रहिए। कम ऑन गाइज, आई होप कोई नेटवर्क इश्यू नहीं है। लास्ट मैसेज मुझे ब्यूटी जी का मिला था, उसके बाद किसी का मैसेज नहीं आया। प्लीज गाइज, मैसेज करते रहिए। ऋतु जी, चैनल कैसा जा रहा है? जो ये आपने पूजा के और गंगा स्नान के वीडियो वगैरह डाले, उनके व्यूज कैसे आए? किसी और ने भी हमें ज्वाइन किया है, प्लीज बताएं किसने ज्वाइन किया है। मुकेश जी, ब्यूटी जी ने आपको डन किया है, प्लीज रिटर्न कर दो। मुकेश जी, ब्यूटी जी, मुकेश जी आपको लाइव के बाद रिटर्न कर देंगे वीडियो वॉच के साथ। ब्यूटी जी, आप कहाँ से हैं, प्लीज कुछ बताएं आप अपने बारे में। आज आप हमारे लाइव में पहली बार आए हैं। सिमोन, आप हो क्या लाइव में अभी? हेलो सास बहू दुनियादारी, वेलकम टू द लाइव। मुकेश जी, ब्यूटी जी ने आपको माता वाली वीडियो पे लेटर दिया है, प्लीज देख लेना। ओके डॉली, थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल ठीक हूँ सास बहू, आप बताएं आप कैसे हैं आजकल? आप बिल्कुल गायब है मेरे वीडियो पे से। कोई बात नहीं ऋतु जी, मुझे पता है आप बिजी थे, कभी भी देख लेना आप जब आपको फुर्सत मिल जाए तो। कोई बात नहीं, मुझे पता है आप बिजी चल रहे इतने दिन से। ब्यूटी जी, आप ऋतु जी को जाके लेटर दे दो उनके लेटेस्ट वीडियो पे, वो आपको रिटर्न कर देंगी लाइव के बाद। पर एटलीस्ट 2 मिनट का वीडियो देखना ब्यूटी जी, उसके बाद ही फ्रेंड बनाना। आप ऋतु जी के घर जा रहे हो ब्यूटी जी? आप कैसी हैं सास बहू? ओके, नहीं अभी मेरी कम्युनिटी नहीं है सास बहू। ब्यूटी जी देखिए, मुकेश जी भी बोल रहे हैं वो आपको लाइव के बाद रिटर्न कर देंगे। आप यहाँ जिस जिसको लेटर देंगी ना ब्यूटी जी, सब आपको रिटर्न कर देंगे। देखिए ब्यूटी जी, डीबी लाइव तो अभी जा रहे हैं आपके चैनल पे, प्लीज आप देख लेना। आजकल आप वीडियोस पे नहीं आते हैं सास बहू, जबकि हम आपके सारे वीडियोस पे जाते हैं। सास बहू अभी डीबी ब्यूटी जी के वीडियो पे गई है, उसके बाद वो आपके वीडियो पे आ जाएंगी। सास बहू, आप ऋतु जी को जाके आप लेटर दे दो। हेलो सोनल, कैसे हो आप? सास बहू, आप ऋतु जी को लेटर दे दो उनके लेटेस्ट वीडियो पे, एटलीस्ट 2 मिनट का वॉच देके वो आपको लाइव के बाद रिटर्न कर देंगी। कैसे हो सोनल जी, वेलकम टू द लाइव। ओके ब्यूटी जी, ऋतु जी, ब्यूटी जी ने आपको डन कराया, आप देख लेना और फिर रिटर्न कर देना। ब्यूटी जी, ऋतु जी आपको लाइव के बाद पक्का रिटर्न कर देंगी, और मुकेश जी भी देखिए ऊपर बोल रहे हैं कि वो आपको लाइव के बाद रिटर्न कर देंगे। कोई बात नहीं ऋतु जी, कोई बात नहीं, थैंक यू लाइव में आने के लिए, थैंक यू ऋतु जी। हाँ बिना मेकअप, रितु जी देखिए ब्यूटी जी क्या बोल रही हैं, वो बोल रही हैं आप बिना मेकअप के ही प्रिटी लगते हो। मेकअप करके उन्होंने 4 चांद लगाया अपनी ब्यूटी को, राइट ब्यूटी जी? हाँ रितु जी, मैंने इनको बोल दिया, इन्होंने आपके लेटेस्ट वही मेकअप वाला जो वीडियो है
उस पे लेटर दे दिया है ब्यूटी जी ने, आप रिटर्न कर देना। ब्यूटी जी चिंता ना करें, रितु जी जरूर रिटर्न करेंगी और बहुत अच्छे से सपोर्ट भी करती हैं रितु जी, तो आप चिंता ना करें, वो आपको रिटर्न कर देंगी। हो सकता है रिटर्न करने में थोड़ा टाइम लग जाए, उनके घर में गेस्ट आ गए हैं। क्या बात कर रहे हो सोनल, 6 कम हो गए? अच्छा, और भी किसी के कम हो रहे हैं क्या? सुबह से एक तो मेरा भी कम हुआ है सोनल जी, पर 6 तो बड़ा नंबर है, एक तो मेरा भी कम हुआ है। नहीं नहीं रितु जी, बिल्कुल सही बोल रही हैं ब्यूटी जी। नहीं मुकेश जी, रितु जी वैसे भी बहुत अच्छी हैं। रितु जी आप जाओ अपने गेस्ट को अटेंड करो, हम आपका वेट करेंगे। चलिए गाइस, मैसेज करते रहिए। अच्छा, अपने से बड़ों को प्रणाम करते हैं इसलिए आप प्रणाम कर रहे हो। अच्छा नहीं नहीं मैं सही बोल रही हूं। कम ऑन गाइस, 2 ही लोग रह गए हैं। चलिए कोई बात नहीं, 2 लोग भी हैं तो मैसेज करें 2 लोग। चला दो। प्लीज मैसेज करते रहे, लास्ट मैसेज। ब्यूटी जी आप हो, डीबीजी ने आपको डन करा है, प्लीज चेक कर लेना। और फुल वॉच के साथ डन करा है डीबीजी ने आपको। थैंक यू डॉली, थैंक यू। कम ऑन गाइस, मैसेज करते रहिए। डॉली नेक्स्ट वीडियो कब आ रहा है आपका और किस चीज का आएगा? वही दशहरा पूजा का। अच्छा नहीं नहीं सोनल जी सैड मत होइए, देखिए सबके साथ हो रहा है। ऊपर ब्यूटी जी भी बोल रहे हैं ना कि उनके भी कम हो रहे हैं। हेलो सिद्धांत जी, कैसे हैं आप? वेलकम टू माय लाइव। सास बहू आजकल पता नहीं कहाँ रहती हैं, लाइव में आती हैं 2 मिनट के लिए और बस फिर गायब हो जाती हैं। डिसहार्टन मत होइए सोनल जी, धीरे धीरे भर जाएंगे। अगर रोज 2 भी बढ़ रहे हैं, अगर आपके 5 बढ़ते हैं और 4 कम हो जाते हैं तो एक बढ़ाना आपका इफेक्टिवली, तो कोई बात नहीं, ऐसे धीरे धीरे बढ़ जाएंगे। सबके साथ यही हो रहा है, नंबर अलग अलग है सबके। आपके 5 कम हुए आज, मेरा 1 कम हो गया सुबह से, और अभी तो दिन शुरू हुआ है। हाँ देखिए सोनल जी, बेबी जी भी यही कह रही हैं कि सबके कम हो रहे हैं। हाँ मुकेश जी सब लाइक कर रहे हैं लाइव को, थैंक यू। देखिए मुकेश जी सबको लाइक करने के लिए याद दिला रहे हैं। प्लीज गाइस मैसेज करते रहिए, 6 लोग हैं। कोई बात नहीं सोनल जी, थैंक यू। आप बिजी होने के बाद भी आप हमारी लाइव अटेंड कर रहे हो, थैंक यू सो मच। आपके बच्चे कैसे हैं सोनल जी, स्पेशली छोटा वाला? कम ऑन गाइस, 7 लोग ऑनलाइन हैं, मैसेज नहीं आ रहे हैं, मैसेज करते रहे। लास्ट मैसेज सोनल जी का आया है, मैसेज आता है तो अच्छा लगता है। ओके सिद्धांत जी, आपने ब्रेड का वीडियो देखा, कैसा लगा आपको ब्रेड का वीडियो?
देखिए सोनल जी, मुकेश जी भी आपको थैंक यू बोल रहे हैं लाइव में आने के लिए। थोड़ा सा टफ लग रहा है। नहीं, सिद्धांत जी बिल्कुल भी टफ नहीं है। वो देखने में अभी लग रहा है कि आटा इतना गीला हो गया है, वो कैसे होगा, पर आप जो क्वांटिटीज मैंने बताई हैं, आप वो धीरे धीरे करके उसमें आटे में डालते रहिए। 10-15 मिनट में आटा बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है। 10-15 मिनट लगते हैं आटे को बनाने में, पर बिल्कुल परफेक्ट होता है और एंड रिजल्ट बाजार वाली ब्रेड से भी अच्छा होगा। आप बना के देखिएगा एक बार। एंड आई रियली अप्रिशिएट सिद्धांत जी कि आप मेरे सारे वीडियोस देखते हैं और उनपे कमेंट भी डालते हैं। थैंक यू सो मच। आगे भी ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिएगा। कम ऑन गाइस, 7 लोग हैं ऑनलाइन, मैसेज नहीं आ रहे हैं। मैसेज बस सिद्धांत जी और मुकेश जी कर रहे हैं। मैसेज करते रहे सब लोग, मैसेज आते रहते हैं तो अच्छा लगता है। आपने नहीं देखा, कोई बात नहीं दीदी, जब टाइम। अच्छा, आपने भी देखा, ओके, अच्छी लगी बहुत। थैंक यू डॉली, थैंक यू सो मच। शाहिद हमारा बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है मुकेश जी, आपका काउंट बढ़ रहा है? अच्छा, मेरी वॉइस सुन के मोबाइल लेने को बोल रहा है, पर बच्चों को मोबाइल नहीं देना चाहिए सोनल जी, स्पेशली इतने छोटे बच्चों को तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए। हाँ, डॉली आटे से भी बना सकते हैं, पर आटे में थोड़ा सा, मेरे ख्याल से मैंने कभी बनाई नहीं है, पानी कम लगता है आटे में। मैं एक बार ट्राई करके उसका भी, ब्राउन ब्रेड का भी वीडियो डालती हूँ जल्दी। थैंक यू, आपने बहुत अच्छा आइडिया दिया मुझे। मैं ब्राउन ब्रेड भी बनाती हूँ सोना डॉली जी जल्दी, और उसका वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अच्छा, नहीं, सोनल जी अगर आप इतना बिजी हो, आप अभी बच्चे को निला के लाए हो, तो प्लीज आप बच्चे को अटेंड करो। हाँ पक्का डालूंगी। मुझे नीलम जी की बेटी जो है नामिका, उसने व्हाइट सॉस पास्ता और रेड सॉस पास्ता की भी रिक्वेस्ट की है, मैं वो भी डालूंगी, और मैं ब्राउन ब्रेड का वीडियो भी जरूर डालूंगी। अभी काफी सारे वीडियोस हैं लाइन में, मैं वो भी बनाऊंगी। मैं घर पे पाव वगैरह बनाना भी बताऊंगी, मोस्ट प्रॉबली नेक्स्ट वीक एंड नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक पक्का बता दूंगी, दिवाली से पहले मैं बता दूंगी। कोई बात नहीं स्नेहा, कोई बात नहीं, थैंक यू वापस आने के लिए। मैं आपको पाव बनाना भी बताऊंगी, और जो डोमिनोज में वो कैलजोन पॉकेट्स और वो मिलते हैं सब, वो सब भी बताऊंगी। हाँ नहीं, मुकेश जी 8 लोग हो गए, 8 लोग हो गए। और भी अगर डॉली या आप लोग जो भी लाइव हो, आप लोगों को कोई और वीडियो देखना हो तो प्लीज एक बार मुझे बता दीजिए, मैं उसको भी स्ट्रीमलाइन कर दूंगी और वो वीडियो भी जल्दी से जल्दी डालने की कोशिश करूंगी। आप लोगों के सजेशन मिलते हैं तो अच्छा भी लगता है कि ये वाला वीडियो भी डालना है, एक आइडिया भी लग जाता है कि और कौन कौन से वीडियो डालने हैं। और दिवाली वाले वीक में तो मिठाई वीक चलेगा। क्या पूछ रही थी स्नेहा? अच्छा, मुकेश जी आपने सोनल जी को फ्रेंड बनाया होगा, इसलिए सोनल जी थैंक यू बोल रही हैं आपको। कम ऑन गाइस, मैसेज करते रहिए।
अक्षिता जी सबको हेलो बोल रही हैं। नहीं मैंने उनको नहीं, लेकिन दो रख देती हूँ। बहुत ही अच्छा सोनल जी, बहुत ही अच्छा। डॉली अगर आप ऑनलाइन हो तो ब्यूटी जी बोल रही हैं डीबी में रिटर्न के, वो आपको अभी रिटर्न कर रही हैं। डॉली ब्यूटी जी, ब्यूटी जी प्लीज 2-1 मिनट का वीडियो देख के उसके बाद ही रिटर्न करना प्लीज। कम ऑन गाइस, 7 लोगों ने ज्वाइन कर लिया है हमें। वेलकम है सबका जिन्होंने नया ज्वाइन किया है, और गुड आफ्टरनून है। प्लीज बताएं किस किस ने ज्वाइन किया है। चल रहा है स्नेहा, ठीक ठाक चल रहा है। ठीक ठाक क्या बोलूं, बीच में तो काफी अच्छा चल रहा था पर अब तो व्यूज भी काफी कम हो गए हैं, और सब जो बढ़ते हैं वो कांस्टेंट नहीं रहते, कम हो जाते हैं। कोई बात नहीं ब्यूटी जी, आप कर दीजिएगा थोड़ी देर में ही सही, पर कर जरूर दीजिएगा डॉली जी को रिटर्न। थैंक यू ब्यूटी जी, थैंक यू। और स्नेहा सफाई शुरू कर दी दिवाली की। मुकेश जी थैंक यू हमारे साथ बने रहने के लिए, थैंक यू सो मच। ओके ब्यूटी जी, ओके। अच्छा सही बात है, सीखी भी उन्हीं से है ना, इसलिए तारीफ करती है वो। बाय ब्यूटी जी, बाय, थैंक्स बने रहने के लिए हमारे साथ, थैंक यू। हाँ सोनल जी, मैंने वो डाले ना दही के आलू, देखे आप पहले डाल रखे, मैंने दही के आलू डाले हैं। और जैसे हमारे यूपी साइड में चंद्रामृत या पंचामृत जो भी आप बोल लीजिए वो बनता है, वो भी डाला है मैंने। हम जैसे आटे वाली पंजीरी बनाते हैं वो सब मैंने डाल रखे हैं वीडियोस। और जैसे जैसे मुझे रेसिपीज याद आती रहेंगी, मैं सोच रही हूँ दिवाली से पहले अपनी तरफ, अगर आप जानते हो तो अनरसे बनते हैं ना, वो बनाऊं। थोड़ा लेंदी प्रोसेस है बट बहुत टेस्टी स्वीट डिश होती है। मुकेश जी, ब्यूटी जी बिजी हैं इसलिए वो चली गई है मेरे ख्याल से। नहीं कर रही हाँ, कर दो अब, धीरे धीरे कर दो स्नेहा। एक साथ लोड नहीं आता फिर। सुना है सोनल जी आपने, अनरसे सुने हैं, चावल के बनते हैं यूपी में, हमारी तरफ काफी बनते हैं। प्लीज गाइस, 5 लोग हैं, मैसेज करते रहिए। आई होप कोई नेटवर्क इशू नहीं है, बफरिंग नहीं हो रही है, मैसेजेस नहीं मिल रहे हैं मुझे। मुझे लास्ट मैसेज स्नेहा का मिला है, प्लीज मैसेज करते रहिए। अच्छी बात है ना स्नेहा, काम में भिड़ जाना चाहिए। सिद्धांत जी आज मैं एक बहुत ही डिफरेंट तरीके से आपको लौकी का रायता बनाना बताऊंगी, उसका वीडियो आएगा। थैंक यू पूछने के लिए, जरूर देखिएगा वीडियो और ट्राई भी कीजिएगा। बोरिंग तो सबको लगती है स्नेहा, पर करनी तो पड़ती है।
कोई बात नहीं मुकेश जी, जिसे करना है वो कर रहा है, जिसे नहीं करना वो नहीं कर रहा। आज तो काफी सारे लोग सीसीटीवी कैमरे बन के बैठे हैं, 7 लोग ऑनलाइन दिख रहे हैं, मैसेज सिर्फ मुकेश जी, सिद्धांत जी और स्नेहा कर रही हैं। सोनल जी, ब्यूटी जी चली गई हैं, अगर आप उन्हें ज्वाइन करना चाहते हो तो देख लो एक बार, आप जाके उनको लेटर दे दो, वो शायद रिटर्न कर दें आपको। अभी वो बाय बोल के चले गए सोनल जी। सोनल जी, स्नेहा मेरी कजन है, उसका यूट्यूब चैनल नहीं है, वो बस मुझे सपोर्ट करने आ जाती है लाइव में। स्नेहा एक दो दिन में शुरू करूंगी, मेड बोल रही है, वो अभी एक दो दिन अपने घर की सफाई कर रही है, फिर किचन से शुरुआत करूंगी एक दो दिन में। मोस्ट प्रॉब्ली वेडनेसडे, वेडनेसडे या थर्सडे से शुरू कर दूंगी। बाकी मैं जो अपना थोड़ा थोड़ा काम है, अलमारी साफ करना, ये सब करना, वो मैंने शुरू कर दिया है। बाकी अब धीरे धीरे मेड के साथ लग लग के करूंगी, तो मोस्ट प्रॉब्ली मैं थर्सडे फ्राइडे से लाइव बंद कर दूंगी 4-5 दिन के लिए, या जब तक भी सफाई चलेगी। घर बहुत बड़ा है तो टाइम लग जाता है साफ सफाई में। तो मैं जितने दिन साफ सफाई चलेगी उतने दिन लाइव नहीं करूंगी। प्लीज गाइस मैसेज करते रहिए। हाँ, स्नेहा मैंने वही जो हमने लॉकडाउन से पहले वाली मेड थी वही वापस आ गई है मेरी, तो मैंने उसी को रख लिया है। इस समय नई मेड रखना भी ठीक नहीं है ना, उसका तो सब पता है हमें, कहाँ रहती है, घर में कितने लोग हैं, तो कोई इशू नहीं है। हाँ सोनल जी, अगर आपको लगता है आपको ब्यूटी जी को ज्वाइन करना है तो प्लीज आप कर लो, आप उन्हें मैसेज दे देना मेरे नाम के साथ, तो वो आपको रिटर्न कर देंगी। आपके चैनल पे व्यूज कैसे जा रहे हैं सोनल जी? आजकल मिलना भी बहुत मुश्किल है, और मिल भी जाए तो उसे रखना बहुत मुश्किल काम है स्नेहा, कि वो कहाँ से आ रही है कहाँ से नहीं आ रही है, ये वाले इश्यूज बहुत हो गए हैं आजकल, जब से कोरोना आया है तब से। तो इसलिए मैंने तो वेट करना बेटर समझा, जब हमारी पुरानी मेड आने लगी काम पे तब उसी को रखा है। हाँ मुकेश जी, आज सब मुंह पे पट्टी बांध के बैठे हैं। आपका ब्रेकफास्ट हो गया मुकेश जी? अच्छा सोनल जी, तो फिर मैं बनाती हूँ, अगर आपने सुना है और खाया नहीं है तो मैं बनाती हूँ। मैंने भी कभी बनाए नहीं है, खाए काफी बार है मैंने, तो ट्राई करूंगी, अगर अच्छे बन गए तो मैं वीडियो अपलोड जरूर करूंगी। दिवाली वाले पूरा वीक तो सिर्फ वो ही आएंगी, स्वीट डिशेस ही आएंगी, और दिवाली से पहले मैं एक बार अपना किचन टूर और फिर हाउस टूर भी जरूर करवाऊंगी आप लोगों को। प्लीज मैसेज करते रहिए, लास्ट मैसेज मुकेश जी का आया है, बाकी लोग भी मैसेज करते रहिए। 7 लोग हैं ऑनलाइन, 7 लोग बहुत होते हैं बात करने के लिए। ओके मुकेश जी, आज क्या कर रहे हैं आप लंच में? बाय सोनल जी, बाय, थैंक यू हमारे साथ बने रहने के लिए इतने टाइम, थैंक यू।
हेलो प्लास्टिक बैग, हाउ आर यू? वेरी यूनिक नेम, काइंडली टेल अस समथिंग अबाउट योर सेल्फ प्लास्टिक बैग. हाँ हाँ बहुत अच्छी है स्नेहा. ओके मुकेश जी, तो आज आपके यहाँ तो बहुत सारे पकवान बने हैं. चलिए मजे उठाइए पकवानों के, बहुत बढ़िया बात है. प्लास्टिक बैग, आर यू देयर? प्लास्टिक बैग, आई एम नॉट गेटिंग व्हाट यू आर ट्राइंग टू से. आइडेंटिफाई एज अ एज एन अटैक हेलीकॉप्टर. वेरी नाइस, अटैक हेलीकॉप्टर. प्लीज मुकेश जी और स्नेहा के अलावा कोई मैसेज ही नहीं कर रहा है. बाकी चार लोग बिल्कुल म्यूट बैठे हैं, गलत बात है. प्लीज मैसेज करते रहिए. मुकेश जी, छठ पूजा कब होती है? प्लीज गाइस मैसेज करते रहिए. आज तो मैसेज भी नहीं आ रहे, लोग भी बहुत कम है लाइव में. मुझे लगता है आजकल सब बिजी हो गए हैं, सबका दिवाली का काम शुरू हो गया है. पर पांच लोग बहुत हैं मैसेज कर रहे हैं, तो पांच लोगों के साथ भी बहुत मजा आता है लाइव करने में. खाना बन गया स्नेहा? कम ऑन गाइस, मैसेज करते रहिए प्लीज. अब तो किसी के भी मैसेज आना बंद हो गए. मुकेश जी के भी नहीं आ रहे, स्नेहा के भी नहीं आ रहे. स्नेहा तुम हो? मुकेश जी आप हैं ऑनलाइन? अच्छा, 16 दिन है आज से, तो दिवाली से पहले होती है छठ पूजा. पता नहीं क्या नेम है स्नेहा. हेलो अक्षता जी, हेलो. तो तीन लोग तो ये हैं, मुकेश जी हैं, स्नेहा है, अक्षता जी है, एक और कोई है. प्लीज मैसेज कर दें कौन है हमारे साथ. आज बहुत सारे जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो नहीं आए. अनीता जी नहीं आई, अध्ययन मम्मा नहीं आई, नीलम जी नहीं आई. हाँ हाँ मुकेश जी, मुझे पता है आप हो. थैंक यू बने रहने के लिए हमारे साथ. आज बहुत सारे जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स आते थे वो नहीं आए. अब तो मुझे लगता है दिवाली तक यही चलेगा, क्योंकि सब लोग बिजी हैं साफ सफाई में और बाकी और दिवाली के काम निपटाने में. अच्छा, दिवाली के 6 दिन बाद होता है. ओके, क्या बनाया स्नेहा आज? अच्छा, आ रहा मटर पनीर बनाया तो था. सच, ये देखो इसी को कहते हैं बुढ़ापा में. भूल गई कि मटर पनीर तुमने बताया था ऊपर. बादाम खाने पड़ेंगे मुझे भी, मैं भूल जाती हूँ आजकल चीजें, बोलते बोलते भूल जाती हूँ कई बार. तो
क्या बात गाइस, आज तो बहुत ही बोरिंग लाइफ जा रही है। प्लीज मैसेज करिए, कोई एक्टिवली पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है। हाँ स्नेहा, मुंह में पानी आ गया। एक्चुअली कहाँ, हमने बनाई अरहर की दाल, तुमने बनाया मटर पनीर, तो मुंह में पानी आना तो बनता है ना। चलो खाना एक्सचेंज कर लेते हैं, हम तुम्हें दाल भिजवा देते हैं, तुम हमें मटर पनीर भिजवा दो। हम दाल के साथ तुम्हें चावल फ्री देंगे, फ्री फ्री फ्री। प्लीज गाइस मैसेज करिए, आज तो कोई मैसेज ही नहीं कर रहा, लोग भी बस चार ही हैं। लीजिए अब तो तीन हो गए। और स्नेहा, पढ़ाई कैसी चल रही है तुम्हारी? चलिए, किन दो लोगों ने हमें ज्वाइन करा है प्लीज बताएं, किसने हमें ज्वाइन किया है? वेलकम टू अ लाइव, एक बार हाय बोल के अपना इंट्रोडक्शन जरूर करवाएं। हाँ बताइए, हमने दाल बनाई है, इन्होंने मटर पनीर बनाया है, तो ये मटर पनीर बना के वो भाव खा रही है, हमें बार बार मटर पनीर बता रही है। कम ऑन गाइस, 7 लोग हो गए हैं, वेलकम टू माय लाइव है। जो जो ऑनलाइन है प्लीज एक बार एक हाय बोल के अपना इंट्रोडक्शन तो करवा दें प्लीज। 6 लोग हैं, प्लीज इंट्रोडक्शन करवाएं अपना, कौन कौन है ऑनलाइन। हाँ सही कह रहे हो मुकेश जी, आपने खाया नहीं है मौसी के हाथ का मटर पनीर, इसलिए आप ऐसे बोल रहे हो, अगर खा लेते तो ना बोलते। अगर खाए होते तो आपके मुंह में भी पानी आ गया होता। लौकी की मिठाई भी बनती है, वो भी बनाऊं? श्योर सिद्धांत जी, जरूर बनाऊंगी लौकी की मिठाई भी। मैं बोल रही हूँ ना, दिवाली वाला पूरा वीक मैं मिठाई वीक रखूंगी, उसमें मैं डिफरेंट तरह की स्वीट डिश जो आप इजीली घर पे बना सकें वो डालूंगी, क्योंकि इस बार बाहर से मिठाई लाना इज नॉट सेफ। लोगों ने खाना पीना शुरू कर दिया है बाहर, फिर भी अभी अवॉइड करना चाहिए। क्या कह रहे हो मुकेश जी, आपको मटर पनीर से नफरत है? क्यों मुकेश जी, ऐसा क्या हो गया मटर पनीर से आपको नफरत है? कितनी गलत बात है, शेयर क्यों नहीं करोगी तुम? स्कूल में सिखाया नहीं टीचर ने शेयरिंग इज केयरिंग? शेयर करना चाहिए अपना खाना सबके साथ, मैम सिखाती है ना, शेयर योर फूड विद योर फ्रेंड्स। इतना मटर पनीर बनता है मुकेश जी आप? क्या हमारे यहाँ तो हफ्ता 10 दिन में एक बार बनता है मटर पनीर, या 15 दिन में एक बार बनता है, तभी पसंद है हमें। आप 3 बार खाओगे हफ्ता में तो पसंद नहीं आएगा आपको, फिर तो सही हो आप अपनी जगह। बस करो स्नेहा, बस करो, मटर पनीर। हाँ मुझे तो कढ़ाई पनीर बहुत पसंद है। स्नेहा तुमने कोई डिश बनाई क्या मेरे वीडियोस देख के, कि नहीं बनाई? तभी मौसी चिल्लाती है तुम्हारे ऊपर, तुम कुछ बनाती नहीं हो। फोन दिला रखे हैं तुम्हें तो वीडियो देखो, खाना बनाओ और मौसी को खिलाओ। चलिए भाई क्या करा जाए, कहाँ गई स्नेहा, मुकेश जी दोनों गायब हो गए, क्या करें? आज हम भी लाइव खत्म करें, समाप्त करें अपनी लाइव।
बहुत ही ठंडी लाइफ जा रही है आज। कल से लाइफ ठंडी जा रही है सबकी। कल अध्ययन मम्मा की लाइफ भी रात में बहुत ठंडी गई, उसमें भी बहुत कम लोग आए थे, उन्होंने भी बंद कर दी। आज हमारी भी ऐसी जा रही है, अभी अभी किसी ने हमें ज्वाइन किया है। ओ ऑन डिमांड हैप्पी किचन, हेलो प्रिया, हेलो कैसे हो आप, वेलकम टू माय लाइव है हैप्पी किचन। हाँ सही कह रहे हो मुकेश जी, जाओ इनका मटर पनीर चुला लाओ। कैसे हैं आप हैप्पी किचन? प्लीज मैसेज करते रहे हैप्पी किचन, एक बार लाइव स्ट्रीम को लाइक भी कर दीजिएगा। हैप्पी किचन मेरे वीडियोस ऑल्टरनेट डे आते हैं, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे संडे, 4 दिन आते हैं हफ्ते में मेरे वीडियोस। क्यों आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? आप कब कब डालते हो हैप्पी किचन अपने वीडियोस? थैंक यू हैप्पी किचन, थैंक यू सो मच। आप कब कब डालते हैं अपने वीडियोस? कम ऑन गाइज, मैसेज करते रहिए। पांच लोग हैं मैसेज, बस हैप्पी जी कर रही हैं, बाकी लोग भी मैसेज करें। स्नेहा मटर पनीर से फुर्सत मिल गई तो आ जाओ। मुकेश जी आप हो? अच्छा आप 3 दिन में डालते हैं, मतलब आप 2 वीडियोस डालते हैं वीकली? मैं वीकली वीकली 4 वीडियो डालती हूँ। नहीं, फुर्सत निकालो स्नेहा, रेसिपीज देखो और बनाओ। 1 घंटे का काम भी नहीं है रेसिपीज देख के बनाने में, और अब तो वैसे भी फेस्टिवल टाइम आ रहा है। अच्छा अभी आप आउट ऑफ सिटी हो इसलिए नहीं डाल रहे हो। ओके हैप्पी किचन, आई वुड सजेस्ट आप ऐसे में अपने कुछ वीडियोस ना प्री रिकॉर्ड करके अपने पास रखा करें, जिससे कम से कम ब्रेक हो आपके वीडियोस के बीच में। हाँ मुकेश जी ये तो सही कह रहे हो आप, ये बहुत रोंदू है खाने को लेके। हैप्पी किचन आप कहाँ से हैं प्लीज एक बार बताएंगे? कम ऑन गाइस, 6 लोग हैं, 3 लोग मैसेज कर रहे हैं। नहीं, बाकी चीजों में तुम रुलाने वालों में से हो, खाने को लेके और स्पेशली मटर पनीर को लेके रोती हो। पता है मुकेश जी आप यही हैं। हैप्पी किचन प्लीज इफ यू डोंट माइंड टेलिंग अस कहाँ से हैं आप? पुणे? ओ मेरा भाई भी पुणे में रहता है हैप्पी किचन। आज मुझे लग रहा है कोई नेटवर्क इश्यू है, मेरे पास मैसेजेस बहुत धीरे धीरे आ रहे हैं। अच्छा आप चुपके से नहीं भागते, वो भी नहीं भागेगी मुकेश जी। हाँ सही बात है, याद है।
अब उस बेचारे को भी फुर्सत नहीं मिलती, ऑनलाइन क्लासेस और ये सब चलता रहता है। एक प्ले में भी उसने पार्ट लिया है तो उसकी भी रिहर्सल चल रही है आजकल ऑनलाइन, तो यही सब चलता रहता है तो टाइम ही नहीं मिलता उसको, बिल्कुल हमसे ही बात नहीं हो पाती। रात में आधा पौन घंटा बैठता है बस हमारे साथ, बाकी पूरा टाइम अपने रूम में पढ़ाई या अपना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज ये सब में लगा रहता है। प्लीज गाइस मैसेज करते रहिए, लोग आते हैं चले जाते हैं, जाने से पहले प्लीज एक बार हाय जरूर लिखा करिए, जिससे हमें एटलीस्ट पता चले कि सिर्फ हाय करने ही सही कौन आया हमारे पास। मुकेश जी अक्की मेरे बेटे का नाम है। फिर किसी ने हमें ज्वाइन किया है, वेलकम है जिसने भी हमें ज्वाइन किया है, थैंक यू ज्वाइन करने के लिए। प्लीज एक हाय बोल दीजिए जिससे हमें पता चले किसने हमें ज्वाइन किया है, बहुत अच्छा लगेगा हमें अगर आप हाय बोल देंगे तो। कोई मैसेज नहीं कर रहा मुकेश जी, लोग ही बहुत कम है, आप हो, स्नेहा हो है और बाकी तीन लोग पता नहीं कौन है। कोई नहीं सुन रहा, सब कंजूस सुन के खुश है मुकेश जी। आजकल इकोनॉमी इतनी डाउन है कि सबको कंजूस रहना ही अच्छा लग रहा है, तो इसीलिए लोग मैसेज नहीं कर रहे। मैसेज करने से वर्ड्स खर्च होते हैं तो वो भी बचा रहे हैं। चलिए चला के छोड़ रखी है, यही बहुत है हमारे लिए कि उन लोगों ने चला के छोड़ रखा है, पर मैसेज करते तो और मजा आता है लाइव करने में। मुकेश जी वो अपने रूम में बैठ के पढ़ाई कर रहा है, इस बार 10th है उसका तो वो पढ़ाई में लगा रहता है, पढ़ाई कर रहा है वो अपने रूम में। उसका नाम अक्षत है मुकेश जी, वैसे हम घर पर अक्की बोलते हैं उसको, अक्षत नाम है उसका। निराश आज केतन भाई भी नहीं आए और सुनील भाई भी नहीं आए, नहीं तो थोड़ी देर के लिए सही वो लोग हमारी लाइफ में जरूर आते थे। दीपा जी भी नहीं आ रही हैं बहुत दिन से लाइव में, अब दिवाली तक तो यही चलना है, सब बिजी हैं अपने अपने कामों में। चलिए स्नेहा जी मुकेश जी कोई आ नहीं रहा हमारे साथ, हम तीन लोग ही बातें कर रहे हैं और वो भी मैसेजेस रेगुलरली नहीं आ रहे हैं। कोई नहीं है मुकेश जी, मैं हूँ, आप हो और स्नेहा है, बाकी दो लोग कौन है नहीं पता। चलिए तो हम अपना लाइव स्ट्रीम आज जल्दी बंद करते हैं, कोई बात नहीं, अब ऐसे ही थोड़ा सा मैनेज करेंगे दिवाली तक, दिवाली के बाद फिर हमें सब ज्वाइन करेंगे, सब बिजी हैं, सबको काम है, हमें भी समझना चाहिए ये सारी बातें, और काम पहले है, ये वाली चीजें थोड़ा फ्री टाइम की चीजें होती हैं। चलिए मुकेश जी थैंक यू हमारे साथ बने रहने के लिए पूरे लाइव में, थैंक यू। पक्का बोलूंगी पक्का, बाय स्नेहा बाय, थैंक यू हमारे साथ लाइव में बने रहने के लिए मुकेश जी और स्नेहा जी। कोई इंटरेस्टेड नहीं है मुकेश जी, कोई इंटरेस्टेड नहीं है, कोई हाथ नहीं उठा रहा। देखिए जब हम बाय करने
देखते हैं तो एक बार को काउंट बढ़ जाता है, पर लोग वो नहीं करते, मैसेज नहीं करते। प्लीज गाइस, दो लोगों ने हमें ज्वाइन किया है, वेलकम है लाइव में। हेलो जी अंजलि जी, अभी मैं आपको याद ही कर रही थी, मैं लाइव खत्म करने वाली थी। आपकी लाइव की तरह मेरी लाइव भी बहुत ठंडी जा रही है, दो लोग हैं लाइव में बस। अब आप आ गए हो तो आप तीसरे हो, आप हो, स्नेहा है और मुकेश जी हैं, बाकी और कोई नहीं है। कोई बात नहीं अंजलि जी, कोई बात नहीं, आपकी रिपोर्ट्स आ गई अंजलि जी। नहीं, स्नेहा कैसे भूल सकता है तुम्हें, तुम्हें तो बहुत अच्छे से याद रखा हुआ है वो। अच्छा अभी नहीं आई, पर वैसे आपकी तबीयत कैसी है? चलिए, वेरी नाइस, ठीक ही रहना चाहिए। आजकल अंजलि जी वही वाला इशू है, सब बिजी हैं, साफ सफाई में, दिवाली की प्रिपरेशंस में, इसलिए व्यूज भी कम आ रहे हैं मेरे को लगता है वीडियोस पे, और लाइव में तो कोई आ ही नहीं रहा है। 5-7 मिनट को आते हैं लोग और फिर चले जाते हैं, कुछ एक लोग ही हैं बस, जैसे मुकेश जी हैं या आप हो जो पूरा लॉन्ग टर्म स्टे करते हैं, बाकी तो कोई स्टे ही नहीं करता है। तो मेरे को तो लगता है दिवाली तक ये सारा मामला ऐसे ही ठंडा ही चलेगा। हाँ सही कह रहे हो, कोई बात नहीं मुकेश जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए, थैंक यू पक्का। स्नेहा अब ये देख लेना कौन किसकी पिटाई करेगा, तुम उसकी पिटाई करोगी, वो तुम्हारी बड़ा हो गया है अब बहुत, अब वो पहले वाला अक्की नहीं रहा छोटा सा। कम ऑन गाइस, किसी और ने भी ज्वाइन किया है, एक बार मैसेज तो करके हाय तो बोल दें। अंजलि जी आजकल तो कोई हाय बोलने में भी इंटरेस्टेड नहीं होता, सब बस आते हैं 1 मिनट बिना हाय हेलो बिना लाइक के रहते हैं और फिर चले जाते हैं। ऋतु जी सॉरी ऋतु जी कह रही हूँ, अंजलि जी मोस्ट प्रॉबली थर्सडे या फ्राइडे से शुरू होगी। अभी मेड सामने वाली भाभी के यहाँ काम करवा रही है, वो बोल रही है उनके यहाँ 2 दिन का काम और बचा है, फिर वो 2 दिन के बाद हमारे यहाँ काम शुरू करवाएगी, क्योंकि अकेले तो बहुत हेक्टिक हो जाता है, अकेले करना इतने बड़े घर की साफ सफाई बहुत मुश्किल हो जाती है। आप आफ्टर करवा चौथ करोगे? अच्छा, मैंने आज अपने दोनों बॉक्स बेड तो साफ कर दिए, तो आज मैं भी काफी थक गई। बस अब पहले सबसे पहले किचन साफ करूंगी, फिर आप लोगों के लिए किचन टूर बनाऊंगी बढ़िया सा, और उसके बाद घर की साफ सफाई के बाद एक बढ़िया सा हाउस टूर। अंजलि जी आप भी दे देना हाउस टूर, किचन टूर तो रोज शाम को हम लोग कर लेते हैं। आपका तो नीचे से लेकर ऊपर तक कितना बढ़िया हाउस टूर बनेगा, ऊपर भी इतनी ग्रीनरी है आपकी छत पे, अब तो स्टेयर्स पे भी आपने प्लांट्स वगैरह रख दिए हैं। चलिए अंजलि जी आप और मैं ही हैं बस, तो हम वाइंड अप करते हैं अपनी लाइफ को, शाम को मिलते हैं आपकी लाइव में। थैंक यू अंजलि जी लाइव में आने के लिए, थैंक यू, बाय बाय अंजलि जी, बाय स्नेहा, बाय मुकेश जी, थैंक यू लाइव में आने के लिए, जो जो हमारी लाइव में आया, बाय।